बजरंगे हर हर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भोले तेरी धूम धड़क का हू हा हू हा, बाबा तेरी धूम धड़क का हू हा हू हा। भोले तेरी धूम धड़क का हू हा हू हा, भोले तेरी धूम धड़क का हू हा हू हा। योगी तेरा रूप निराला हू हा हा। जय बोले कि एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रेवल एंड फूड नितिन पंजाबी यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा ग्रुप है, 50 मेंबर का ग्रुप है हमारा, जो अलग अलग जगहों से आया है और हम अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जय बोले की, जय बोले की भाइयों, ये मेरा अमरनाथ की ट्रिप है जो मैं हर साल करता हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा इसका। मैं श्रीनगर जा रहा हूँ दिल्ली से, न्यू दिल्ली से मेरी फ्लाइट है जिसका 5500 रुपये मेरा किराया है। चलते हैं, पूरा बताऊंगा तरीका, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कितना खर्चा आएगा, संपूर्ण जानकारी। Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. मैं सभी फौजी भाइयों का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सिक्योरिटी होती है अमरनाथ यात्रा में और हम कश्मीर से जा रहे हैं पहलगांव। अब पहलगांव से हम यात्रा करेंगे 16 किलोमीटर की ऊपर पहाड़ी पर, जो चंदनवाड़ी होकर के जाएगी। 3 दिन की यात्रा रहती है पैदल। चलते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। अगर मौका मिले तो लाइफ में एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करना। आप देख सकते हो मेरे पीछे क्या व्यू आ रहा है, मस्त। मौसम ठंडा है, जैकेट और जरूर लेके आए, रेनकोट जरूर लेके आए यात्रा के दौरान। अब हम यहाँ से यात्रा करेंगे, ऊपर पहाड़ी की तरफ जाएंगे, यात्रा करेंगे 16 किलोमीटर की। अभी मैं रुका हूँ पहलगांव में। पहलगांव के अंदर ये खूब सारे, आपको दिखाता हूँ, सारे लंगर सेवा चलती है, बहुत बढ़िया। बैठने की, खाने की बहुत अच्छी सुविधा होती है। अब सारा ग्रुप बैठ के लंगर कर रहा है। जय बोलेगी, ये देखिए बढ़िया लंगर सेवा है इनकी, एक नंबर। चावल है, दाल है, आलू पालक की सब्जी है और ये राजमा है। अमरनाथ यात्रा जाते हैं तो ऐसे हमारे को भोजन, निःशुल्क भोजन के बहुत सारे कैंप मिलते हैं, जो मिलिट्री के कैंप होते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था होती है सरकार के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा। नूनवन कैंप है जहाँ पे मैं रुका हूँ अभी। ये देखिए लाइन से कैंप होते हैं निःशुल्क भोजन के। यहाँ पे रुकने की, हर चीज़ की, दवाई की, हर चीज़ की निःशुल्क व्यवस्था होती है, मेडिकल हर चीज़ की। ये देख सकते हैं आप, जगह जगह कैंप लगे हुए हैं। मैं आपको कैंप में अंदर भी दिखाता हूँ। जैसे ये कैंप है, देखो कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, कैंप वालों ने। यहाँ पे बैठने की बढ़िया व्यवस्था रहती है, ये लंगर पानी रहता है। ये हमारा पूरा ग्रुप है जो लंगर में बैठा है। अब यहाँ से कई सोच रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर में जाएंगे, कई जने सोच रहे हैं कि हम पैदल जाएंगे। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था होती है अमरनाथ यात्रा में। जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है पड़ रही है, तो उसको ऑक्सीजन की, मेडिकल की, हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। और बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं ये लोग। और यहाँ पे हमारे को कैंप मिलता है जिसमें 200 रुपये रहते हैं। 200 रुपये में हम क्या है, एक नाइट निकाल सकते हैं और लंगर फ्री रहता है। मैं आपको वो कैंप दिखाता हूँ। अब मेरे पीछे देख सकते हैं खूब सारे लाइन से टॉयलेट बने होते हैं और मैं आपको वो दिखाता हूँ बूथ जहाँ पे रुकने की व्यवस्था होती है 200 रुपये की। ये जैसे ये टेंट लगे होते हैं, देखिए आप, इसको 200 रुपये का पर आदमी होता है, इसमें आप रुक सकते हैं। यहाँ पे जालीदार रहता है, ये देखिए इस टाइप की व्यवस्था रहती है जिसमें हमारे को रजाई देते हैं, मोबाइल आपका रहे, सब कुछ यहाँ पे सेफ रहेगा। यहाँ पे बैग और रजाई देंगे, कंबल देंगे, तकिया देंगे, इस टाइप का। ये आप देख सकते हो इस कैंप के अंदर ही खूब सारी दुकानें होती है कपड़े की। आप यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हो, जैसे कोई जैकेट नहीं लाता या स्वेटर नहीं लाता, भूल जाता है तो यहाँ से परचेज कर सकता है, आसानी से मिल जाता है। रेनकोट सब कुछ मिल जाता है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि रेनकोट जरूर खरीदें। कैंप में एक तरह का इन्होंने छोटा बाजार बना रखा होता है, हर सामान मिलता है। यहाँ पे आपको सिम भी मिल जाएगी, सिम ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रीपेड बंद हो जाता है और बंद होने के बाद में क्या आपका सिम काम नहीं करेगा, तो यहाँ से आप 300 रुपये में एक महीने की 1.5 GB पर डे का सिम मिल जाता है। हमारे को अमरनाथ यात्रा के दौरान फौजी भाइयों ने रोक लिया, उन्होंने कहा कल सुबह यात्रा कीजिएगा, अभी यात्रा बंद कर दी है, इसलिए हम नूनवन कैंप में रुके हैं। ये आप जो बूथ देख रहे हैं यहाँ पे हर सुविधा है, फ्री निःशुल्क दवाई प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से आप। ये देखिए ये मिनी हॉस्पिटल बोल सकते हैं जिसको, एमरजेंसी वार्ड ये दे रखा है, जहाँ पे आपको खुदा ना खास्ता कभी ऑक्सीजन की किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो आप यहाँ से एडमिट भी हो सकते हैं आप, निःशुल्क रहता है सब। सर जी, आप अमरनाथ पहले कितनी बार आए हैं? नहीं, दिस वन इज माई सेकेंड टाइम, ये दोबारा है, दूसरी बार है आपका। आपको यहाँ का कैसे लगा माहौल? आउटस्टैंडिंग, सिक्योरिटी कैसी लगी? वी आर प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी। नहीं, वही पूछ रहा हूँ ना आपसे। फैंटास्टिक सर, ये जो मेडिकल कैंप है इसमें सारी सुविधा रहती है फ्री? All are available. There is no any deficiency. There is no any lack. He's a sir, as like God. सर नाम क्या है सर आपका? निसार अहमद खान सर।
अच्छा जी, सर आप यहाँ पे सेवा देने डॉक्टर हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सेवा देने। अच्छा जी, अच्छा जी, मैंने तो लगभग 5-10 सालों से यहाँ, 5-10 सालों से आप सेवा दे रहे हैं, जानते हैं मुझे सर। थैंक यू सर। सर पहले अपना फुल नेम बताइए। माय नेम इज मुकुट रंजन शर्मा। फ्रॉम? आई एम फ्रॉम असम। असम जी। सर आप यहाँ पे ड्यूटी पे हैं? ड्यूटी में है सर। सरकार की तरफ से आए आप ना? यस सर, यस सर। आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, कितने दिन की ड्यूटी देती है आप यहाँ पे? हम तो अंटिल बिफोर स्टार्टिंग एंड आफ्टर कंप्लीशन हम लोग चला जाएंगे। अच्छा, उसके बाद चले जाएंगे। जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है आम जनता को? यहाँ तो हमें फुल 24/7 ओपीडी चल रहा है। अच्छा जी। हमारे डॉक्टर साहबान भी होते हैं, स्पेशलिस्ट भी होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी होते हैं और बाकी स्टाफ भी होता है। हाँ जी। एडमिट भी रखते हैं हम यहाँ। अच्छा जी। एट द शॉर्ट टाइम, शॉर्ट इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए रखते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बिल्कुल कंटिन्यू देते हैं हर जगह यहाँ, मतलब सुविधा उपलब्ध होती है 24 आवर सुविधा रहती है। और सर मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे जैसे कि इनका, हाँ, ये पेमेंट कहाँ से आता है, कौन व्यवस्था? मैं बताऊंगा, ये तो हमें होता है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग और ये डायरेक्टर यात्रा है, सरकार देती है ये, वही देते हैं हम यात्रा, सरकार सरकार देती है, सरकार की तरफ से आता है वो, हमारे हायर अथॉरिटीज है वो खुद करते हैं ना, क्या लगेगा इसमें क्या नहीं लगेगा, हम खाली रिक्वायरमेंट देते हैं, हमें ये जरूरत है तो वो तुरंत करते हैं। अच्छा सर, आप मेरे को ये बताइए आप कहाँ से हैं वैसे? मैं तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ही हूँ। अच्छा, यहीं से ही, लोकल के? लोकल। अच्छा जी, थैंक यू। ओके, वेलकम। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं वार्ड, बहुत साफ सुथरा वार्ड रखा हुआ है इन्होंने और बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी, टॉप की व्यवस्था। बेलगांव में मिलिट्री कैंप में हम 2-3 घंटे रुके, वहाँ पे हमने नाश्ता पानी किया, खाना खाया, रेस्ट किया। उसके बाद में हमने यहाँ से सबने डिसाइड किया कि भाई पूरा दिन यहाँ पे रुक के करेंगे क्या टेंट में, तो हमने कहा कि हेलीकॉप्टर से चलते हैं यहाँ से। हेलीकॉप्टर का किराया हमारा 4,700 रुपये लगा। अगर एक चीज ध्यान रखना, आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि हमें बहुत टाइम का बर्बाद हो गया हमारा, क्योंकि हम सुबह खड़े हुए थे 12 बजे, जब जाकर के शाम को 6 बजे हमें हेलीकॉप्टर मिला। कि कैश में ये टाइम ज़्यादा ले रहे थे और ऑनलाइन वालों को पहले भेज रहे थे हेलीकॉप्टर में, इसलिए हमें 6 घंटे बर्बाद करे हमने ऑफलाइन की वजह से। इसलिए आप ध्यान रखें, आप हमेशा ऑनलाइन ही बुकिंग कराएं हेलीकॉप्टर। अब हम यहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, हेलीपैड में आ गए हैं। 4,500 रुपये का किराया लगा है जो हमारे को ऊपर छोड़ेगा अमरनाथ जी के मंदिर के पास में। यहाँ से हम आ गए हैं, हेलीकॉप्टर अब यहाँ से मिलेगा हमारे को और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। हम वेट कर रहे हैं, सारा हमारा ग्रुप पीछे अंदर बैठा है। ये पूरा हमारा वेटिंग हॉल है जिसमें हम सब बैठे हैं और पूरा ग्रुप बैठा है हमारा। यहाँ से हम क्या है कि यात्रा करेंगे। अब हमारे को यहाँ से पहलगांव से पंचतड़ी के लिए से हमारे को 6 बंदों को एक साथ भेजा जाएगा। All the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna finally pahunch hi gaya hu. Mere ko bada dar tha helicopter ke andar, mere ko lag raha tha pata nahi kya hoga, kyunki mere ko jhule se dar lagta hai, par koi bhi dikkat nahi hui, aaram se aaya. इस बार अमरनाथ यात्रा में बहुत मजा आया क्योंकि बर्फ खूब पड़ी है यहाँ पे, खूब घुटने घुटने जितनी बर्फ थी और सरकार ने हटाई उसको रोडों पे, तब हम चल पाए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मजा आ जाएगा। अभी हेलीकॉप्टर से पंचतन्नी पहुंचा हूँ, अब यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे 6-7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था टेंटों की, आप देख सकते हो तमाम टेंट है और यहाँ पे आज रात को रात निकालेंगे नाइट। 500-600 रुपये में हमारे को कैंप मिल जाएगा, तंबू मिल जाएगा। ये देखिए आप, तमाम यहाँ पे भंडारे की सुविधाएं हैं, निशुल्क चाय भोजन सबकी। जय बोले, जय बोले की भाइयों। ऐसा हमारे को टेंट मिलता है, देख सकते हो आप, ये रजाई और हमारे को देते हैं तकिया, टेंट, रजाई सब देते हैं। ये हमारा ग्रुप है, ये ऐसे इस टाइप का मिलेगा आपको। इस बार तो टेंट 500 रुपये लगाया, नहीं तो वैसे 200 रुपये लेते हैं। और ये हमारे को जैसे कंबल देंगे और सुबह नहाने के लिए एक बाल्टी देंगे पानी, एक दो जितनी भी लेना चाहे, अलग से चार्ज होता है उसका। अब यहाँ पे हमने रात को खाना पीना खाया था, रेस्ट किया था, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें 8 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी महादेव जी की, क्योंकि हेलीकॉप्टर पूरा आगे तक नहीं पहुंचाता है, वो 8 किलोमीटर पहले छोड़ देता है, 6 या 8 किलोमीटर वहां से हमें पैदल जाना होता है ऊपर। अब आपको बढ़िया नजारे देखने को मिलेंगे वहां पे, बर्फ गिरती हुई और
कैसे मुश्किलों से लोग यात्रा करते हैं आप देखना। अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई बहुत मुश्किल है पर उतना ही मजा आता है। साल में 2 महीने ही अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं आप और बाकी साल इधर बर्फ रहती है, यहाँ पे पक्षी तक नहीं फटकता है। फौजी भी मिलिट्री भी नीचे आ जाते हैं कश्मीर में, यहाँ पे सिर्फ बर्फ होती है चारों तरफ। और इसका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग बताऊंगा आपको मैं, कैसे होता है, कितना खर्चा आता है, किस मौसम में आपको जाना चाहिए, कब यात्रा स्टार्ट होती है। टोटल यहाँ से आप बग्गी कर सकते हैं, यहाँ से आप घोड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप पिटू कर सकते हैं, इसको तो बोलते हैं बग्गी। ये कुर्सियां पड़ी है जो ये कुर्सियों पे बिठा करके ले जाते हैं, 6 किलोमीटर की यात्रा कराते हैं और पूरा नीचे तक वापस छोड़ के आते हैं, जिसको नीचे एक दिन की यात्रा होती है। घोड़ा करेंगे तो 5,000 रुपये खर्चा आएगा और पिट्ठू करेंगे जिसमें आपका लगेज उठा करके वो जाएगा और आप फ्री रहेंगे, उसके 3-4 हज़ार रुपये लेते हैं। वो आप देख लीजिएगा जैसे अपनी सुविधाओं वैसे जा सकते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने पैदल किया था और खुद का बैग खुद ने उठाया था। अमरनाथ यात्रा कठिन है तो मजेदार भी बहुत है। आप अगर अमरनाथ यात्रा आते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, कैप, ग्लव्स, जैकेट अपने साथ जरूर रखें और शूज जरूर पहन के आए, चप्पल में ना आए, इन चीजों का ध्यान रखें। रेनकोट जरूर रखें क्योंकि बरसात होती है। रेनकोट वैसे आपको बता दूं आपको रस्ते में भी मिल जाएगा, रेनकोट आप रस्ते में भी ले सकते हैं, यहाँ पे हर जगह हर चीज मिल जाएगी आसानी से, फिर भी आप ध्यान रखना इन चीजों का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना, अगर ऑनलाइन लियो तो ऑफलाइन में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी आपको, हो जाएगा ऑफलाइन में भी। और आप अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, जैसे ये हेलीकॉप्टर चल रहे हैं इससे जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन करा के आएँ, नहीं तो हमारी तरह परेशानी उठानी पड़ेगी आपको। परेशानी क्या उठानी पड़ेगी आपको, जैसे लाइन में लगना पड़ेगा 10 बजे कैश पेमेंट लेकर के और शाम को 6:30-7 बजे तक आपका नंबर आएगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। श्रीनगर से 2 रास्ते फटते हैं अमरनाथ जी को, एक बालटाल के लिए जाता है, एक पहलगाम के लिए जाता है। आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, अमरनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप पहलगांव चंदनवाड़ी वाले रास्ते से जाते हैं, जिस रास्ते से मैं आज जा रहा हूँ, ये यात्रा होती है 3 दिन की। इसमें आपको जहाँ पे शिवजी भगवान ने अपना चांद छोड़ा था, जहाँ पे शिवजी भगवान ने अपना सांप छोड़ा था, जहाँ पे शिवजी भगवान ने अपने सब सामान छोड़ने के बाद में जब गुफा में गए थे ना, वो रास्ता ही है। ये रास्ता कठिन बहुत है पर मजा बहुत आता है, रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड गूगल में आप सर्च मारेंगे तो आपको साइट निकलेगी, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें सब कुछ लिखा है, आपको हेलीकॉप्टर से जाना है, क्या क्या सुविधा चाहिए आपको, सब कुछ होता है। वैसे वैसे फॉर्म भर लें। अमरनाथ यात्रा जितनी कठिन है ना उतना ही मजा है। अमरनाथ यात्रा करते हैं अगर पैदल करते हैं तो कपूर साथ में जरूर रखिएगा, जिससे आपको ऑक्सीजन मिलता रहे। कपूर सूंघने से ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती। एक तरफ तो खाई रहती है, एक तरफ रास्ता रहता है, उसी के बीच में घोड़े चलते हैं, उसी के बीच में हम लोग पैदल चलते हैं। परेशानी तो बहुत होती है पर क्या करें, क्योंकि साल में एक बार यात्रा होती ना, तो इसलिए रास्ता कम बनता है। हर महादेव भाई, कैसी जा रही है यात्रा मेरे भाइयों? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, ठंड तो है इस बार? ठंड नहीं है भैया, बहुत अच्छी ठंड है, जल्दी ठंडक होनी चाहिए। जय बोले हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चीज ध्यान रखना, जो दम्मे का शिकायत हो, जिसको सांस की प्रॉब्लम रहती हो, या कोई हार्ट का पेशेंट हो, दिल का रोगी हो, वो भूल करके भी ये यात्रा ना करे। जय बोले की हर हर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है, लेवल बहुत कम रहता है। इसलिए क्या है कि दम्मे के रोगी होगा, अगर सांस की प्रॉब्लम होगी तो उसको समस्या हो सकती है। वैसे यहाँ पे बहुत सी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने ऑक्सीजन की, हर चीज की, फिर भी हैंडल विद केयर। हाँ, के मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी बर्फ गिरने लग जाती है, कभी भी बारिश आ जाती है, वो शानदार मौसम रहता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, रेनकोट अपने पास में हमेशा रखिएगा और गर्म कपड़े जरूर रखिएगा। अमरनाथ यात्रा का 8-10 हज़ार रुपये मात्र खर्चा आता है खाली अमरनाथ यात्रा का। बोले, 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 बोले। अब हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे खूब बर्फ गिरी है, इस बार बहुत मजा आया बर्फ में हमारे को।
में चलना बड़ा मुश्किल है, पैर स्किड करता है और गिरने का डर रहता है नीचे खाई में। पार्ट टू में जरूर देखिएगा, आपको महादेव जी के दर्शन कराए जाएंगे। हमारे चलने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, इसको बर्फ को हटाया जा रहा है रास्ते से, देख सकते हैं आप।